सर, सरकार तो पहले अपने वादों से मुकर रही है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था और सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है। और सरकार ने जो भी 22 से 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है, इससे लोगों पे और भार पड़ेगा। देखो, इन सरकार ने बहुत काम पूरा काम किया है। ये बिजली के रेट बढ़ा दिए, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा जनता को। जनता ये मांग है इसके रेट कम किए जाए। लोगों पर महंगाई की मार पड़ी हो तो विपक्ष कैसे चुप रह सकता है। विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाते हुए सरकार के इस फैसले को लोगों के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस की ये सुख देने वाली सरकार लगातार जनता को दुख देती जा रही है। पहले इन्होंने डीजल में 3 रुपए लीटर बढ़ोतरी की, अब इन्होंने बिजली महंगी कर दी। जबकि वायदा चुनाव में किया था कि हम सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वो वायदा तो पूरा नहीं किया। उल्टा बिजली महंगी करके, बिजली की दरें बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ डाल दिया। सरकार का एक और फेलियर है। अलग अलग प्रकार की गारंटियों पर जो है वोट मांगने वाली सरकार ने अभी तक जो है किसी भी गारंटी पर काम नहीं किया है। और जैसा आपने खुद कहा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो उनका वादा था वो तो दूर, 125 यूनिट तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में फ्री में बिजली दी जा रही थी वो भी दूर। और उल्टा इन्होंने जो है अब रेट जो है बिजली के बढ़ा दिए हैं, और जो वादा इन्होंने आम जनता से किया था उसको दरकिनार करते हुए, जनता से धोखा करते हुए इस रेट को बढ़ाया है। बीजेपी के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है और सरकार से पुनः विचार करने की मांग की है, ताकि लोगों को महंगाई के बोझ से राहत मिल सके। अप्रैल माह से बिजली की दरों व पीने के पानी की दरों में जो वृद्धि की गई है, इसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जो बिजली व पानी की दरों में जो वृद्धि की गई है, इसको तुरंत वापस ले। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो गारंटी दी गई थी, उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू कर जनता को जो है वो राहत प्रदान करे। प्रदेश पर कर्ज का बोझ है, जिसका असर अब सीधे सीधे लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लोगों पर एक के बाद एक महंगाई का बोझ बढ़ाने वाले कई फैसले लिए गए हैं। ऐसे में जनता के सवाल जरूरी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।